भगवान नमस्कार मु दीपा आपण मानकु मो चैनल उड़िया ब्लॉगर दीपा को बहुत बहुत स्वागत करुची। आज होची शनिवार एबे किंतु इवनिंग टाइम मुझे ब्लॉग टा मु एक्चुअली गोटे रेसीपी ही आज शेयर करबी जोटा कि मैं खराब बेले बनई देथिली आउ तो भाबिली वर्तमान सेटा आपण माने संगे शेयर करि देबी। एबे रेगुलर छाड़ी भी गोटे रेसीपी आउ गोटे ब्लॉग एमती करिकी रेगुलर ही छाड़ी बहुत ही रेगुलर हो मु आशा करुची। आज रेसीपीटी आपण मानक बहुत ही भल लगे। आज रेसीपीटी होची गोटे मशरूम उपर मोर फेवरेट माने मते जत्ते भी मशरूम आइटम अच्छी ता भितर एटा ही सब बेस्ट लगे सेटा होची छतु आलू आंबुल र बाटी बसा सेटा आम कहू जोटा को आम मुढ़ी रुटी भात पखाळ सबु थिरे मु तो खाइनी एटलीस्ट आउ आपण माने खाई पारबे कि न पणे सेटा आपण माने ही जानि जंती। तो चालन तो फटाफट किचन को जिबा। ऑलरेडी मु जाई सारी थिली सेटा आपण मानु को नै जाउ छी मो किचन को आउ आपण मानु को देखै देउ छी से छतु आळू आमलर बाटी बसार रेसिपी माने एथिरे कोनोसी भी झिंझट न थाय आउ फटाफट गुटिए मिक्स रे मु ताको डिवाइड करी किछि भी देइनी ताको एका गोटे सांगरे मिक्स करके बनई बहुत ही डेलीशियस होता आपण मैंने निश्चय ट्राए करेंगे। ट्राए कला जाकि मत कमेंट सेक्शन में जड़े आपण मेसीपीटा केमी जदि मोर रेसीपीटी आपन को भल लगे तो लाइक तो बनता है ना, शेयर भी बनता है, कमेंट भी बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, सभी बनता है तो लाइक शेयर कमेंट करने को जमार भूलिबे नहीं। जदि मो चैनल ले नहीं होछंती ताहले सब्सक्राइब करने बे सब्सक्राइब कला परे बेल आइकन को प्रेस करने वाला परे ऑल बटन ले क्लिक करने बे मो वीडियो रो सब नोटिफिकेशन आपन मन को पाखरे टाइम टू टाइम पहुंचिबो। जो माने मते सब्सक्राइब ऑलरेडी करि छंती एते सपोर्ट करु छंती से मन को मेनी मेनी थैंक्स। तो चलो तो मु आउ किछ कहू छी माने आसु छी जे आम वीडियो काही कि देखि पारु नाती तो मु समस्त को जे निश्चय आपन को वीडियो रो नोटिफिकेशन आसी छी माने निहाती आपन मन को देखि कि देबी। मोर एति कहू छी नेटवर्क प्रॉब्लम पई जहां बार बार देखि पर छी घर भीतर बहुत ही प्रॉब्लम हे पर छी संध्या परे त बाहर को जिबाटा गां रे तो पॉसिबल नहि तो से प्रॉब्लम हो मु तो निजे ही प्रॉब्लम रो फसी जाई छी तो धीरे धीरे सॉर्ट आउट करिया को मु चेष्टा भी करंतु। चलो तो आउ ज्यादा बकबक करबिनी जिबा आउ सीधा देखि नबा आजिर रेसिपी तो लाइक करके ही जिबे। तो चलो तो जिबा किचन को आउ देखि नबा मु किचन को जानतु आउ देखि नतु मसला एठी मु रेडी कर नै छी प्याज रसुण जीरा लंका और सोरसर बटाटा देबा आमे से छतुरे मु प्रथमे ग्राइंडिंग करनी तापर आपन मन देखेबी छतु बाटी बसा बनाया पई मु एठी सब किछ रेडी कर नै छी। आलू और प्याज को सोरसर करी कट कर नै छी देखि पर्थु आपन जति क्वांटिटी रे आपन कर दरकार सेति कि देबे मु एठी मसला ग्राइंडिंग करिकि नै आसी टिके पानी पानी ही रखी छी सेही जो मिक्सचरटा आपन देखेली सेहीटा ही एटा तापर ताको देदेवी सब देक भल भाव गोल एबेदेवी भाजिक रखी छतु खाली संतुक रखी लुण हलदी दे कि बेस कड़ा भजा करूखला मसला देदे हलदी गुंड जी दरकार सेदेवी तापर एदेवी लुण आवश्यक टेस्ट अनुसार मुझे लुण देदे लुण देदेला लंका गुंड भी आड करने झी सान झी मोर लंका गुंड पकई दे कह आहरी पकेब तो एबे आकु भल भाग मिक्स कर नबा सोरस तेल भी एमें आड कर नबा एका सांगे ही सबकिदी केवल आंबुलटा रखा पछक दबा ना आलुटा सीझेनि जमार खटा अंश आंबुलर खटा अंश द्वारा आलुटा जमार भी सीझेनि एबा को भल भाव मिक्स कर नवा जी तेल दरकार मुलरेडी कि पानी भी आड कर बस कि मत हेल्प कर देखो तो भल भाव मिक्स कर नमें पानी कि आड कर नवा गोटे कप रु टे कम पानी आड कर ने गोटे कप पखापाखी देदेवी देखि ताको भल भाव मिक्स करमती बाटी बसाटा कले तार टेस्टा अलग ही लगे डिफरेंट लगे टिके एटा को आम सबुत ही लगे खाई बहुत बेस टाइम भी लगे नहीं कहीं ना आलू तो एकदम सर सर करके कटाई से बेस टाइम लगे
ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିନେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ସେ ତାଟିଆଟା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ବସେଇ ଦେଉଛି। ତ ସିଲଭର ତାଟିଆଟା ସେଇଥିରେ ହିଁ ଭଲ ହୁଏ, ନହେଲେ ଆପଣ କଢ଼େଇରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତାକୁ 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଫ୍ରେମ୍ରେ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏବେ ଏଥିରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା, କଟ୍ କରିକି ଆମେ ସ୍ପୁନ୍ରେ ହିଁ ଚେକ୍ କରିନେବା ଆଳୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସିଝିଛି। ଆଳୁ ସିଝିଯିବା ଦରକାର, ମାନେ ଟିକେ 80% କୁକ୍ ହେଇଗଲେ ଆଳୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ବି ଟିକେ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମ୍ବୁଲ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି, 2ଟା ଛୋଟ ଆମ୍ବୁଲକୁ ମୁଁ ଛିଡ଼େଇକି ଏଥିରେ ଦେଇଛି। ବେଶୀ ଖଟା ଦିଆ ହେବନି କି, ଆଉ ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଖଟା ହେଇଗଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏବେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ମିକ୍ସ କରିନେଇକି ପୁଣି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ, ସିମ୍ରେ ଏବେ ଦେଇଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ପାଣି ବି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଟିକେ ଚାମଚ ମୁଁ ଦାବି ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଟିକେ ମେସି ମେସି ହେଇଯିବ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଟା ଖାଇବାକୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲାଣି, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗେନି, 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆରାମସେ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲା ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭାତ ମୁଢ଼ି ପଖାଳ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଇବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହେଇଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ କଭର୍ କରିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିନେବା, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ହାଲକା ଖଟା ଖଟା ଲାଗେ, ବେଶୀ ଖଟା ବି ଲାଗେନି, ବେଶୀ ଖଟା ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମଧୁରିଆ ଖଟା ହେଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ମୋର ସିମ୍ପଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଛତୁ ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲର ବାଟି ବେସାଟା ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ସାଥିରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନେବେ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ବାଏ ବାଏ, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍।